नमस्कार, अफ्तारीस बुलेटिन में आपનું સ્વાગત છે। તો આવો જોઈએ સમાચાર વિસ્તારથી। સુરતમાં મકરજી જમેત સુરતનો હિજમા કેમ્પનું આયોજન શહેરના પટની હોલ ખાતે કરવામાં આવ્યું। તો આવો જોઈએ સુરતથી અમારા પ્રતિનિધિ હિરેન મહેતાનો એક રિપોર્ટ, જેમાં મહિલાઓ તથા પુરુષો મળીને 200થી વધારે લોકોએ આ કેમ્પમાં લાભ લીધો હતો। આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે જુનેદભાઈ ઓરાવાલા, અબ્દુલ વહાબભાઈ એરોવાલા, સબીરભાઈ વિગીવાલા, AIMIM ના પ્રમુખ વસીમભાઈ કુરેશી જેવા મહાનુભાવો હાજર રહ્યા હતા અને સમગ્ર પ્રોગ્રામને ફઝલભાઈ મોતાલા તેમજ સમદમભાઈ મુનશી દ્વારા સુંદરપુર રીતે પૂરું કરવામાં આવ્યું હતું। વધુમાં વધુ સમદભાઈ મુનશીએ જણાવ્યું હતું કે બીજામાં કરવાથી શરીરની તમામ બીમારીઓ દૂર થાય છે, તેથી આવા કેમ્પનો અવારનવાર આયોજન કરતા રહેવું જોઈએ। मेरा नाम समद मुंशी है। ये सूरत शहर सापोर करते पटनी हॉल के अंदर हम लोगों का संस्था की तरफ से बरकई जमीयत सूरत के नाम से जो हमारी संस्था चल रही है, उसके अंदर हम लोग आज हिजामा का प्रोग्राम चल रहा है और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि सूरत शहर के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो महिलाओं का मतलब खास औरतों के लिए इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पे काफ़ी तादाद में औरतें भी आई है और इंतज़ाम हिजामा करा रही औरतें भी। और ये हमारे जो नबी की सुन्नत है, जो इस्लाम धर्म के अंदर बताया गया है कि जो नबी की सुन्नत बताई गई है, उसके मुताबिक ये हिजामा का प्रोग्राम होता है, हिजामा का कार्यक्रम करते जा रहे हैं। हिजामा का जो तरीका है, जो यानी कई लोगों को ये बात में पता भी नहीं, कई समाज के लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन जिस दिन जानकारी हो जाएगी तो काफ़ी लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे और इंटरेस्ट लेकर ना खुद लोग ये कार्यक्रम करते हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे संस्था के तमाम लोग आए और हमारे मेहमान जो है वो अभी आने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो खास करके हमारे मेहमान में जो यहाँ के विस्तार स्थानीय कौर पड़ रहे वो है और हमारे एक वो आए थे मेहमान में जुनेद भाई होने वाला पटनी हॉल के खुद पटनी हॉल के मेंबर है जो प्रमुख है वो यहाँ पे हाजिर रहे थे और दूसरे हमारे यहाँ के स्थानीय जो PSI है वो लोग आने वाले हैं, वो सब मेहमान आने वाले हैं। मैसेज में ये कि जो आज जो महामारी चल रही है उसके अंदर खास हमको ये ध्यान देना है कि जो जो हिजामा का कार्यक्रम होता है, जो सबसे बड़ी चीज़ हमारी जिस्म के अंदर होती है लोही, जो ब्लड होता है वो ब्लड का जो खराब खून होता है वो इसके माध्यम से निकल जाता है। तो ये जो पेन होता है हमारे पूरे शरीर में, जो दुखाव होता है, तो वो खराब लोही की वजह से होता है, तो वो लोही हिजामा के माध्यम से निकल जाता है। तो सभी लोगों को ये हिजामा कराना चाहिए।